हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के कल हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड्स, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और आज हम शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी हेडिंग डालेंगे आप कॉपी पे नोट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड की हमको क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी एल्किल हैलाइड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, गौर करना बेटा, बहुत कायदे सुनना भाई। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। पहली बात तो ये मैंने बोला कि एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी SN रिएक्शन देगा, यानी SN1 भी हो सकता दे और हो सकता SN2 भी दे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और दूसरी ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन भी देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन भी देगा। हमने बोला पहली रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा एल्किल हैलाइड, और नेक्स्ट बोला एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, और थर्ड अगर हम बोले तो ये रिडक्शन रिएक्शन भी दे सकता है, ये अपचयन भी कर सकता है। और अगला मैंने बोला रिएक्शन विद मेटल्स, ये मेटल से भी रिएक्शन कर लेती है एल्किल हैलाइड, और लास्ट बोला गया रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी देगा। तो एल्किल हैलाइड चार टाइप की रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN रिएक्शन, सेकेंड बोला गया एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं, और थर्ड बोला गया रिडक्शन यानी अपचयन भी शो करेगा, और चौथा बोला गया रिएक्शन विद मेटल्स यानी मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा, और लास्ट बोला गया रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी पुनर्स्थापन अभिक्रियाएं। तो कितने टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर बोला जाए कि एल्किल हैलाइड मेनली कौन रिएक्शन शो करेगा, तो ये दो एंड एलिमिनेशन, दो रिएक्शन मेनली शो करेगा, फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ शुरू करेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, कॉपी करें, कॉपी पे नोट करें। चार टाइप की बल्कि पांच टाइप की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है एल्किल हैलाइड, फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज द रिडक्शन, फोर्थ इज द रिएक्शन विद मेटल्स एंड फिफ्थ इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। कॉपी पे नोट कर लें। अब फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर हम बोले एल्किल हैलाइड यानी RX, RX रिएक्शन किससे करेगा, मैंने बोला न्यूक्लियोफिल से, न्यूक्लियोफिल को मैंने डिनोट किया Nu- से। तो ध्यान दीजिएगा, Nu- इस पर अटैक कर देगा और R Nu बना देगा और X- निकल जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिल से रिएक्ट करेगा,
आर एनयू बना देगा, यानी न्यूक्लियोफिल जुड़ जाएगा, बदले में यहां से एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, आर एनयू बना लेगा और एक्स माइनस निकल जाएगा। यानी यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, अगर कोई एटम या एटॉमिक ग्रुप हट जाए बदले में दूसरा एटम या एटॉमिक ग्रुप जुड़ जाए तो ऐसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन कब बोलेंगे, जब हमने क्या बोला कोई एटम या एटॉमिक ग्रुप यहां पर एटम या एटॉमिक ग्रुप को रिप्लेस कर दे, यानी एक एटम या एटॉमिक ग्रुप को हटा करके दूसरा एटम या एटॉमिक ग्रुप यहां पर जुड़ जाता हो तो ऐसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहां न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, यानी जो अटैकिंग रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिल है, न्यूक्लियोफिल ने एक्स को हटा दिया है, खुद स्वयं जुड़ गया है, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब कौन कौन सी है जरा ध्यान देना बेटा, अगर आरएक्स एल्किल हैलाइड यानी आरएक्स से रिएक्शन करे, नंबर वन मैंने बोला आरएक्स से रिएक्शन करे कौन से कंपाउंड, ध्यान देना बेटा, फर्स्ट इज इससे रिएक्शन करे NaOH या KOH, लेकिन दोनों ही एक्वस लिए जाएं, या तो हम रिएक्शन करा दें AgOH से और AgOH मॉइस्ट लिया जाए, नम लिया जाए, तो ऐसे केस में ध्यान देना बेटा आरएक्स से रिएक्शन कौन करे, मैंने बोला एक्वस NaOH, जलीय NaOH या जलीय KOH या नम AgOH, तो ऐसे केस में यहां पर OH माइनस, यहां का OH माइनस और यहां का OH माइनस न्यूक्लियोफिल है, तो ये न्यूक्लियोफिल क्या करेगा, स्वयं यहां जुड़ जाएगा, X को हटा देगा, तो ये बन जाएगा ROH। ROH का मतलब क्या बन गया, एल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर, हमने क्या बोला RX की रिएक्शन कराई जाए, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाए, NaOH है ये एल्कोहलिक नहीं है बल्कि एक्वस है, तो ये क्या करेगा OH जुड़ेगा और बदले में X निकल जाएगा तो ROS बन जाएगा। अटैक कौन कर रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है और माइनस वाले हमेशा होते हैं न्यूक्लियोफिल, तो बेटे यहाँ कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, OH माइनस अटैक कर रहा है। सेकंड अगर रिएक्शन बोली जाए कि इसकी रिएक्शन कराई जाए KSH से ध्यान देना पोटेशियम सल्फाइड से, तो ऐसे केस में इसका जो SH है SH माइनस है ये न्यूक्लियोफिल है, तो ये KSH का SH माइनस यहां पर जुड़ जाएगा, बदले में KX यानी यहां से X निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RSH। What is RSS? थायो एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल बन गया बेटा, कौन सा एल्कोहल बोला गया, थायो एल्कोहल। क्लियर, ध्यान देना बेटा, पहली कंडीशन में NaOH लिया गया या KOH लिया गया लेकिन एक्वस लिया गया, और ध्यान दीजिएगा सेकंड कंडीशन में KSH लिया है पोटेशियम सल्फाइड, और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड रिएक्शन की तो यहां सोडियम एल्काक्साइड लिया RONA, व्हाट इज RONA, सोडियम एल्काक्साइड, जैसे यहां CH3 लगा दे तो बोलेंगे सोडियम मिथॉक्साइड, C2H5 लगा दे सोडियम इथॉक्साइड। यहां पर ध्यान देना बेटा जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो Na प्लस होगा लेकिन ये इतना पोर्शन माइनस होगा, यानी ये न्यूक्लियोफिल है, ये न्यूक्लियोफिल यहां जुड़ जाएगा, बदले में क्या निकल जाएगा एक्स, एक्स को ये पोर्शन ये न्यूक्लियोफिल रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा ROR, व्हाट इज ROR, ईथर बनेगा। क्लियर हो रहा बेटा, क्या बनेगा ईथर, तो यहां अटैक कर रहा है OH माइनस, यहां अटैक कर रहा SH माइनस, यहां अटैक कर रहा बोलो RO माइनस, ये सब न्यूक्लियोफिल ही अटैक कर रहे हैं,
न्यूक्लियोफिल अटैक करके एक्स को हटा रहे हैं, यानी न्यूक्लियोफिल ने एक्स को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए रिएक्शन का नाम बेटे हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगली कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम थायो ईथर से करा दें। अगर हम थायो ईथर से कराएंगे RFR यानी थायो ईथर से, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देना बेटे, हमने क्या बोला, इसकी रिएक्शन मैंने थायो ईथर से कराई है, इसमें एक R लिया है, एक S लिया है और अगला R डैश मान लिया है, एक R लिया है, एक S लिया है, एक R डैश मान लिया, यानी ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये मिथाइल तो ये इथाइल, या ये इथाइल तो ये प्रोपाइल, या ये इथाइल तो ये मिथाइल, यानी दोनों डिफरेंट हो, तो ऐसे कंडीशन में एक R प्लस होगा और एस आर डैश माइनस होगा, यानी ये न्यूक्लियोफिल है, तो बताओ बेटा ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, जब यहाँ जुड़ जाएगा एक्स को ये हटा देगा, एस आर डैश माइनस इस एक्स को हटा देगा, तो बन जाएगा आर एस आर डैश। बताओ ये ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा, ये ईथर था और ये क्या बन गया, थायो ईथर। यहां विशेष बात, मान लिया हमने क्या बोला, क्या बन गया है, थायो ईथर, इसको मैंने बोला थायो ईथर, तो अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन थायो ईथर से कराएंगे तब भी थायो ईथर ही मिलेगा, डिफरेंस क्या है, अगर इसको R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले, तो यहाँ R2 R3 वाला थायो ईथर है, जबकि यहाँ जो मिलेगा वो R1 R3 वाला थायो ईथर मिलेगा, यानी एक टाइप का थायो ईथर दूसरे टाइप के थायो ईथर में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम थायो ईथर से कराएंगे तो मिलेगा थायो ईथर ही, लेकिन ये थायो ईथर एक टाइप का थायो ईथर दूसरे टाइप के थायो ईथर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ R2 R3 है एल्किल ग्रुप और यहाँ R1 R3 है, R1 यहाँ का गया है, तो बताओ यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और ये पोर्शन नेगेटिव है, यानी न्यूक्लियोफिल ने एक्स को रिप्लेस कर दिया है, तो दिस कंपाउंड इज थायो ईथर। अगली अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन कराई गई NaCN से या KCN से, सेकंड कंडीशन लिया इसकी रिएक्शन कराई गई AgCN से, यहां बहुत बात है ढंग से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्टेड विद सोडियम साइनाइड एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर साइनाइड। तो इसको जरा समझिएगा, यहां पर हम बोल रहे हैं CN जो है जो आयन बनता है वो दो टाइप के आयन बनाता है, CN माइनस और CN माइनस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज है, यहां पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये एम्बिडेंट आयन है। कौन से आयन मैंने बोला बेटा, एम्बिडेंट आयन, इसे देखो CN एक एम्बिडेंट आयन है, यहां नाइट्रोजन पर भी माइनस चार्ज हो सकता है और कार्बन पर भी माइनस चार्ज हो सकता है, यानी दोनों केस हो सकते हैं, कार्बन पर भी माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पर भी माइनस चार्ज। तो अगर NaCN से रिएक्शन कराएंगे बेटे ध्यान देना, या KCN से कराएंगे तो कार्बन एटम पर माइनस चार्ज माना जाएगा और कार्बन एटम R से जुड़ेगा, यानी कंडीशन बन जाएगी RCN, लेकिन जब AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो N पर माइनस चार्ज माना जाएगा, यानी N जुड़ेगा R से, यानी ऐसे जुड़ जाएगा RNC बनेगा। फिर से इस बात को जरा सुनिएगा, लास्ट बार, अगर सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा साइनाइड के C पर माइनस चार्ज था, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, C जुड़ेगा किससे, R से, तो ये साइनाइड बनेगा एल्किल साइनाइड, लेकिन जब AgCN से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज माना जाएगा
तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन बांड बनाएगा आर से, यानी यहां पर बनेगा एल्किल साइनाइड और यहां पर बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। इस बात को जरा विशेष ध्यान रखना है बेटा, आइसोसाइनाइड, क्योंकि सीएम एक कैसा आयन है, एम्बिडेंट आयन है। एम्बिडेंट आयन की वजह से ये कार्बन से भी बॉन्डिंग कर सकता है और नाइट्रोजन से भी। कार्बन से बॉन्डिंग करेगा सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराने पर, लेकिन सिल्वर साइनाइड से कराएंगे तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर लेगा। इसीलिए इन दोनों केस में प्रोडक्ट सेम नहीं है, चेंज हो गए। तो बेटे अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद सोडियम साइनाइड, एथिल क्लोराइड रिएक्टेड विद सोडियम साइनाइड, तो एथिल साइनाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर साइनाइड, तो बेटे बन जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। डिफरेंस क्लियर है ना? बोलो बेटे डिफरेंस क्लियर है ना, श्योर है ना? यानी सोडियम साइनाइड के केस में कार्बन लिंकेज बनाएगा आर से, जबकि सिल्वर साइनाइड के केस में नाइट्रोजन लिंकेज बनाएगा आर से, क्योंकि सीएम जो है कैसा लिगेंड में बने, कैसा आयन बोला है, एम्बिडेंट आयन है। ओके, इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन हम NaNO2 से करा दें, इसकी रिएक्शन हम NaNO2 से करा दें या KNO2 से करा दें, और अगले केस में इसी की रिएक्शन हम AgNO2 से करा दें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने बोला इसकी रिएक्शन एक बार किससे, मैंने बोला NaNO2 से करा दें या KNO2 से करा दें, और नेक्स्ट टाइम क्या बोला, AgNO2 से करा दें। अगर NaNO2 से कराएंगे तो ऑक्सीजन और R के बीच लिंकेज लगेगा। अगर हम AgNO2 से कराएंगे तो नाइट्रोजन और R के बीच लिंकेज बनेगा, यानी NO2 भी बेटे, NO2 भी कैसा नहीं बोलो है, आयन एम्बिडेंट आयन है। मैंने बोला NO2 भी एम्बिडेंट आयन है। ऐसे केस बन जाएगा नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ सकता है। फिर से देख ले बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहां जगह पे हो तो यहां देख ले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसे केस में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन अगर हम ऐसे दिखा दें इस तरह से, तो यहां नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा, यानी माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर भी आ सकता है और माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर भी आ सकता है, यानी NO2- माइनस इज एम्बिडेंट आयन। इसको कौन सा आयन मैंने बोला बेटा, एम्बिडेंट आयन। तो अगर हम NaNO2 या KNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, यानी ये जो न्यूक्लियोफिल है ये ऑक्सीजन और R के बीच बॉन्डिंग करेगा, यानी ये बन जाएगा आर ओ एनओ बनेगा। क्लियर? ये ऑक्सीजन से एल्किल जुड़ा है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, सिल्वर नाइट्राइड से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आर एनओ टू बनेगा। एकदम क्लियर बेटे, आर एनओ टू बनेगा, यानी आर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग है, यहां आर और नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग है। इसको एल्किल नाइट्राइड बोलेंगे और इस कंपाउंड को नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। इसको बेटा बोला मैंने एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड, और इसको बेटा बोला मैंने नाइट्रो एल्केन। श्योर? श्योर हो गया, कंफर्म हो गया? यानी यहां NO2 कौन से ग्रुप है, इसका NO2 माइनस या इसका NO2 माइनस, इसमें नाइट्रोजन पर बोलो माइनस चार्ज है या ऑक्सीजन पर, तो बेटे यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, जबकि AgNO2 जब रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यानी इस न्यूक्लियोफिल के ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इसीलिए R से बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर रहा है, R से बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर रहा है, जबकि यहां नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आया है, तो R और N के बीच बॉन्डिंग होगी,
इसीलिए यहाँ एल्किल नाइट्राइड बनेगा और यहाँ नाइट्रो एल्केन बनेगा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्राइड, तो एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम नाइट्राइड तो बन जाएगा, बोलो बेटा क्या, एथिल नाइट्राइड यानी C2H5ON डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्राइड, तो ऐसे केस में बनेगा नाइट्रोएथीन। डिफरेंस क्लियर? डिफरेंस क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बोले कि अगर इसकी रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाए, लास्ट है, इसकी रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाए R-COOH से, तो Ag तो प्लस होगा लेकिन इतना पोर्शन माइनस होगा, यानी यही न्यूक्लियोफिल है। ये जब न्यूक्लियोफिल है तो X हटेगा और ये न्यूक्लियोफिल जुड़ेगा, यानी कंडीशन इस तरह आ जाएगी R-COOR। व्हाट इज दिस? ये एस्टर बन गया। ओके, तो दीज रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करें, एक बच्चे ने पूछा सर एम्बिडेंट क्या होता है, तो एम्बिडेंट मैंने बोला एम्बिडेंट आयन वे होते हैं जिसमें जो आयंस का यानी नेगेटिव चार्ज है वो एक से ज्यादा एटम पर हो सकता है। जैसे यहां पर मैंने बोला है साइनाइड के केस में और यहां पर मैंने बोला सीएन के केस में, तो यहां कार्बन पर माइनस चार्ज था इसीलिए आर और कार्बन के बीच बॉन्डिंग हुई है। यहां साइनाइड के केस में नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज था इसीलिए आर और नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग हुई है। इसी तरह ये भी एम्बिडेंट आयन है, ये भी एम्बिडेंट है, यहां NO2 के केस में और यहां NO2 के केस में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज था इसीलिए आर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हुई है, और यहां पर क्या है, यहां नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज था इसीलिए नाइट्रोजन और आर के बीच बॉन्डिंग हुई है। दैट्स ओके, नोट करें। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस के ओएस से या एक्वस एनओएस से या मॉइस्ट एजीओएस से नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, ऐसे केस में एल्कोहल बनेगा। अगर पोटेशियम सल्फाइड से रिएक्शन कराएं तो थायो एल्कोहल बनेगा, सोडियम एल्काइक्साइड से कराएंगे तो ईथर बनेगा। अगर हम थायो ईथर से कराएं तो एक टाइप का थायो ईथर दूसरे टाइप के थायो ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम साइनाइड से कराएं या पोटेशियम साइनाइड से कराएं तो ऐसे केस में एल्किल साइनाइड बनेगा। एक रिएक्शन और देख लो, लास्ट छूट रही है, भी छूटे। अगर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं और अमोनिया एल्कोहलिक ले लें, ध्यान देना, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं और अमोनिया एल्कोहलिक ले लें तो यहां H प्लस बनेगा, NH2 माइनस बनेगा। H प्लस बनेगा मैंने बोला और NH2 माइनस बनेगा। NH2 माइनस न्यूक्लियोफिल है, मैंने बोला NH2 माइनस क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिल, तो यहां न्यूक्लियोफिल ही जुड़ेगा, X हट जाएगा, तो ऐसे केस में बन जाएगा R-NH2, यानी एमीन बन जाएगा। ऐसे केस में मैंने क्या बोला, R-NH2 यानी एमीन बन जाएगा, क्योंकि H प्लस तो जुड़ेगा नहीं, यहां तो न्यूक्लियोफिल को जुड़ना है और बदले में X को हटना है। एक एटम या एटॉमिक ग्रुप जुड़े और दूसरा एटम या एटॉमिक ग्रुप निकले तभी तो रिएक्शन बेटे सब्स्टिट्यूशन होगी। नोट कर लें, कॉपी करें जल्दी से, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर हम डिटेल में जानेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या है और SN2 रिएक्शन क्या है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेंगे तो आप चैटिंग में डाल दें कि मैंने कॉपी कर लिया, तुम आगे बढ़े, आप कॉपी कर लें जल्दी से।
यानी कुल मिलाकर के हम पढ़ के आ रहे हैं एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्स को हटा करके जोड़ना किसको है, न्यूक्लियोफिल को, यानी कटायन जोड़ना है कि एनायन जोड़ना है, एनायन जोड़ना है, यानी नेगेटिव आयन यहां से जोड़ना है, जिसे OH- माइनस जोड़ना है, SH- माइनस जोड़ना, RO- माइनस जोड़ना है, और इसी तरह SR- माइनस जोड़ना है, CN- माइनस जोड़ना है, NC- माइनस जोड़ना है, ONO जोड़ना है, NO2 जोड़ना है, ये सब माइनस वाले हैं यानी न्यूक्लियोफिल है, यहां से R C डबल O- माइनस जोड़ना है, यहां से NH2- माइनस को जोड़ना है और बदले में X को हटा देना है। कॉपी हो गया। अब एग्जाम्पल इसके लेके चल रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस के पहले एग्जाम्पल जल्दी से देखते हैं, बहुत जल्दी से। सपोज करिए कि मैंने एथिल ब्रोमाइड लिया जो आपके सिलेबस में है CH3CH2Br, और बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, इसके रिएक्शन NaOH से करा दिया एक्वस या KOH से करा दिया, कैसा लिया एक्वस, या किससे रिएक्शन कराया मॉइस्ट AgOH से, ऐसी कंडीशन में मैंने बोला था अभी Br हटेगा बदले में OH जुड़ेगा तो बोलो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। सेकंड कंडीशन में हमने बोला, हमने क्या बोला है कि पहली कंडीशन में एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaOH से कराया, OH हटेगा, OH जुड़ेगा, Br निकलेगा, यानी इस कंपाउंड में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया है, या तो NaOH या KOH या सॉरी NaBr, यहां पर निकल गया NaBr, या निकल गया KBr, या निकल गया AgBr, यानी सिल्वर के साथ या पोटेशियम के साथ या सोडियम के साथ Br निकल गया और बदले में यहां OH एडजस्ट हो गया है। ओके, सेकंड रिएक्शन अगर हम बोले, सेकंड एग्जांपल, इसकी रिएक्शन अगर हम KSH से करा दें, KSH से करा दें तो बताओ बेटा SH जुड़ेगा बदले में Br निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2SH और साथ में क्या निकल जाएगा KBr। अगर थर्ड रिएक्शन बोले बेटे कि इसकी रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड से करा दें, इसकी रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड यानी C2H5ONa से करा दें तो NaBr निकलेगा, NaBr जब निकल जाएगा तो बोलो बेटा कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaBr के निकलने के बाद ये बन जाएगा C2H5OC2H5 यानी डाई एथिल ईथर बनेगा। अगर नेक्स्ट बोला जाए कि इसकी रिएक्शन हम किसी प्रकार के ईथर से करा दें, मान लीजिए लिखा है C2H5OC2H5 इस ईथर से करा दें, अगर इस ईथर से कराएंगे सॉरी ईथर ने थायो ईथर लिया, अगर हम थायो ईथर से करा दें तो ये C2H5Br निकल जाएगा, बल्कि यहां हमने मान लिया CH3 जोड़ दिया है, C2H5SCH3 ले रखा है, एक टाइप का थायो ईथर, ये C2H5Br निकल जाएगा, ये मैंने बोला C2H5Br निकल जाएगा और ऐसी कंडीशन में बनेगा क्या C2H5SCH3। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी यहां पर C2H5 भी ले लिया, C2H5Br, एक मिनट इसको फिर से एक बार देख ले दोबारा, अगेन एक टाइप का मैंने थायो ईथर लिया, सपोज करिए लिया CH3SCH3, एक टाइप का थायो ईथर, अब ये CH3Br निकल जाएगा और ये बन क्या जाएगा C2H5SCH3 बन जाएगा, C2H5SCH3 यानी एक टाइप का थायो ईथर दूसरे टाइप के थायो ईथर में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, यहां पर एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, यानी इसका मतलब एक टाइप का थायो ईथर दूसरे टाइप के थायो ईथर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन हम KCM से करा दें और दूसरी बार AgCM से करा दें, ये ध्यान रखिएगा ये अल्कोहलिक ही लेते हैं, ये सब अल्कोहलिक ही लेंगे, तो ऐसे केस में मैंने बोला था पोटेशियम साइनाइड में C जुड़ेगा
और सिल्वस आयनाइड में एन जुड़ेगा क्योंकि एम्बिडेंट आयन है, तो इस केस में क्या बन जाएगा CF3 सिंगल बॉन्ड CF2 CN बनेगा और इस केस में CF3 CF2 NC बनेगा, एथिल साइनाइड बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। नेक्स्ट केस में अगर हम लेके चले इसकी रिएक्शन NaNO2 से करा दिया और दूसरे केस में रिएक्शन इसकी AgNO2 से करा दिया, NaNO2 के प्लेस पर KNO2 भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला था ये ऑक्सीजन से लिंकेज करेगा, ये नाइट्रोजन से लिंकेज करेगा, तो ऑक्सीजन से जब करेगा तो क्या बना लेगा CH3 CH2 ONO और यहां पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 NO2 बनेगा। दैट्स क्लियर, यानी यहां पर ऑक्सीजन लिंकेज करेगा, यहां नाइट्रोजन लिंकेज करेगा, क्योंकि NO2 बोलो बेटा कैसा एम्बिडेंट आयन है, इसके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा तो ये बनेगा और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये बनेगा। तो यहां पर क्या बन रहा इथाइल नाइट्राइट, इसको बोलेंगे इथाइल नाइट्राइट और इसको बोलेंगे नाइट्रोएथीन। इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक अमोनिया से करा दें तो मैंने बोला था बेटा H प्लस बनेगा NH2 माइनस बनेगा, NH2 माइनस यहां अटैक हो जाएगा, तो जब NH2 माइनस अटैक हो जाएगा तो Br निकल जाएगा, NH2 माइनस जुड़ जाएगा, तो ऐसे केस में बन जाएगा CF3 CH2 NH2 एथिलमीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर सिल्वर साल्ट ले लें CF3 C डबल ओ Ag सिल्वर एसिटेट तो Ag Br निकल जाएगा और ये जो माइनस वाला पोर्शन है न्यूक्लियोफिल वाला ये यहां एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CF3 CH2 C डबल ओ और ये क्या हो जाएगा CF3 CH2 फिर डबल ओ C CH3। यहां ऑक्सीजन की तरफ से जोड़ा है क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, ये ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया तो ऑक्सीजन ही यहां जुड़ेगा, तो CH3 CH2 डबल ओ सी CH3 यानी इथाइल एसीटेट, कौन सा कंपाउंड बनेगा इथाइल एसीटेट। तो मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये एग्जाम्पल हो गए। यही एग्जाम्पल क्यों दिए हैं क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में एथिल ब्रोमाइड है, कॉपी कर ले, दो मिनट का समय दे रहे हैं, कॉपी कर ले। काफी हो गया हो तो आगे बढ़े, अभी मैंने शुरू से ही बोला है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड पांच टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं, एक ध्यान दीजिएगा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एनएस रिएक्शन या एसएन रिएक्शन, दूसरा मैंने क्या बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बेटे, थर्ड मैंने क्या बोला था रिडक्शन रिएक्शन, तो बोलो थर्ड हो गया बेटा रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन विद मेटल्स बोला, रिएक्शन विद मेटल्स बोला, मेटल के साथ रिएक्शन बोला, और फिफ्थ मैंने क्या बोला था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब इसको फिर से एक बार देखना, एल्किल हैलाइड पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करता है, यानी RH जो होगा पांच टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करता है, एक मैंने बोला SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा मैंने बोला एलिमिनेशन रिएक्शन यानी इसका मतलब निराकरण या निराकरण अभिक्रियाएं, और लास्ट बोल थर्ड बोला रिडक्शन यानी अपचयन, और अगला बोला रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया, और अगला बोला पुनर्स्थापन यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब जरा ध्यान देना बेटा, हम इन रिएक्शन के बारे में डिटेल में अभी पढ़ा है हमने कौन कौन से कैसे न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, अब इसकी मैकेनिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, एसएन रिएक्शन को डिटेल में जानेंगे।
तो जरा देखना, अगर हम कहें ये एक एल्किल हैलाइड है, ये R लगा, ये R लगा, ये R लगा है, तो बताओ दिस इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड, दिस इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड। गौर करना बेटा, अगर हम नेक्स्ट बोले दो R लगे हैं, एक H लगा है और एक X लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर हम बोले C से एक ही R लगा है, बाकी दो H हैं और एक यहां X लगा, दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसको दोबारा बताना तो भी पढ़ना चाहिए, मैं समझता हूं, यानी जिस हाइलोजन एटम, ये हाइलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से लगा है, ये हाइलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से लगा है, ये हाइलोजन एटम टर्शियरी कार्बन से लगा है, इसीलिए बोला गया प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड। जरा बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर SN1 रिएक्शन होंगी तो SN1 रिएक्शन के रिएक्शन करने का ऑर्डर ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है, यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड इजीली देंगे SN1 रिएक्शन, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड डिफिकल्ट से देंगे SN1 रिएक्शन, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड जल्दी SN1 रिएक्शन देंगे ही नहीं, आप जबरदस्ती कराएंगे तभी बोलो क्या होगा SN1 रिएक्शन। तो हमने क्या बोला है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड इजीली शो करेंगे SN1, सेकेंडरी भी शो करेंगे, टर्शियरी बहुत डिफिकल्टी से शो करते हैं SN1 रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन के लिए ये ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ क्या बोला गया, रिएक्टिविटी। लेकिन अगर हम SN2 रिएक्शन देखें तो SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी HHXR प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और यहां बोला गया CRR, यहां H यहां X सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और यहां बोला गया RRR, और यहां बोला गया X टर्शियरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। यहां पर ध्यान देना बेटा, SN2 रिएक्शन जो होगी प्राइमरी एल्किल हैलाइड इजीली देंगे, देन सेकेंडरी देंगे, और टर्शियरी बहुत डिफिकल्ट से देंगे, मतलब समझिएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, आपसे पूछा जाए प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN1 और SN2 में कौन सी रिएक्शन इजीली देते हैं, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इजीली कौन देगा, SN2। देखा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड बेटा इजीली कौन देगा, SN2। टर्शियरी एल्किल हैलाइड इजीली कौन देंगे, SN1। बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि SN1 रिएक्शन इजीली कौन देते हैं, टर्शियरी, और SN2 रिएक्शन इजीली कौन देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल इसको बैठा लीजिए, क्योंकि कल हम SN1 और SN2 की मैकेनिज्म देखेंगे, ये मैकेनिज्म तभी समझ में आएगी जब ये बात आपको एकदम क्लियर हो जाए 100%। तो हमने क्या बोला, SN1 रिएक्शन कौन इजीली देंगे, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, SN2 रिएक्शन इजीली कौन देंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ओके बेटा, कॉपी करें जल्दी से, इनको कॉपी कर लें। तो इतनी बात जो मैंने बोला है बेटा SN1 और SN2 की, ये आपको याद रखना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कायरल सेंटर की बात अगर होगी तो हम आगे देखेंगे SN1 और SN2 में सारी बात क्लियर होगी, पहले इसकी मैकेनिज्म को कल हम बहुत कायदे से समझाने की कोशिश करेंगे SN1 और SN2 की।
तो कल का लेक्चर आप बिल्कुल मिस न करिएगा, और SN1 और SN2 की मैकेनिज्म आप समझ लेंगे तो आगे आपको बड़ा काम आने वाला है। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। ओके बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।